सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। अभी आया हूँ मैं अपनी गाड़ी का फर्स्ट सर्विस करवाने, चार महीने बाद पहली सर्विस। यहाँ पे जो सुन रहा हो भी कह रहा भाई चलाते लाते नहीं है क्या? अब यार कोई रहता नहीं, कौन चलाएगा इसको। अभी टोटल किलोमीटर हुए हैं करीब 500 करीब हुए किलोमीटर, और आज हो रही है अपनी गाड़ी सर्विस। आज सिर्फ धुलेगी, नॉर्मल इंजन चेक होगा, बस ऐसे दे देंगे। तो देखिए ये रहा अभी कैसी कंडीशन है अभी गाड़ी की, मैं दिखाता हूँ ये लोग क्या क्या प्रोसेस करते हैं। मैं हूँ अभी CM ऑटो मोहाली। अभी ऐसी कुछ दिख रही है, नंबर प्लेट लग चुका है गाड़ी का, सिर्फ बहुत टाइम लग गया नंबर प्लेट ही आने में। यहाँ पर सर्विस होती है, तो गाड़ी वहीं सर्विस हो रही है जहाँ से ख़रीदी थी। हम लोगों ने क्या किया, चंडीगढ़ से गाड़ी ख़रीद के जो उसका नंबर प्लेट है वो हम लोगों ने अपने वहाँ का ले लिया था, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ मैंने वहाँ का नंबर लिया था। क्योंकि देखिए यहाँ से मेरे पापा की ट्रांसफ़र हो जाती है, हर 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाती है। कोई भी काम होगा RTO वगैरह में तो यहाँ पर हम लोग पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आ पाएँ, तो पॉसिबल वही होगा जहाँ पर हम हमेशा जा पाएँ वहीं का करवाएँ। तो इसीलिए मैंने अपने होम टाउन करवा लिया नंबर प्लेट, यहाँ से सीधा होम टाउन करवाया। उसे टाइम लग गया, मुझे 3-4 महीने लग गया प्लेट नंबर प्लेट मिलने में, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार लगता है टाइम, लेकिन बार बार की झंझट ख़त्म हो जाती है। तो अभी गाड़ी वॉशिंग पे जाएगी, देखते हैं। तो ये है वो शोरूम जहाँ से ली थी। अभी तो बहुत टाइम लगेगा यार, अभी तो तीसरा नंबर पर वॉशिंग भी नहीं हुई है, अभी दिमाग ख़राब होगा भाई साहब। कम से कम यहाँ पे खड़े हैं हो गए 2 घंटे हो गए, मुझे लगता है 1-1.5 घंटा और लगना है। तो ये कुछ पेपर है टोटल बिल आपका, देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा। कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं ले रही है, ये कुछ बिल है। तो 2 घंटे बाद भैया धुल के आ रही है, हद होती है ये चीज़। ये 2-3 घंटे बाद ये लोग गाड़ी दिए हैं, बाप रे मत पूछो, एकदम साफ कर दिए हैं। नया नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी, और जैसा मैंने बताया था कि फर्स्ट सर्विस में मोबाइल इंजन ऑयल वगैरह चेंज नहीं होता, कोई ज़्यादा काम नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा वेयर एंड टेयर चेक करते हैं, इंजन चेक करते हैं, धुलाई करते हैं, हल्का फुल्का साफ सफाई और ट्रक ग्रीजिंग वगैरह, बस यही सब होता है। तो वही सब चल रहा है दरवाजों में, बस चलाओगे अभी छोड़ना था ना, चाबी हमें क्या पता, चाबी तुम्हारे पास है? बैठे पंकज जी से एक बार बोल, फोन कर पंकज जी को। हाँ रुकना, इसमें है, इसमें इसमें अरे पंकज जी का फोन करना है कि हम लोग निकलते हैं। ठीक से नहीं हुआ, इसको देना उधर। हाँ पंकज जी, हम लोग निकलते हैं। हाँ हो गई। तो अभी रात के बज रहे हैं 10, और शोरूम से निकलते निकलते बहुत लेट हो गया, गाड़ी सर्विस में बहुत टाइम लग गया।
तो अभी मैं और मम्मी भैया को लेने आए हुए हैं, अभी रात के 10 बज रहे हैं। बस आए थे वहाँ से शोरूम से आए थे 5 बजे, फिर मैं तो सो गया था भाई। सुबह बाइक की सर्विस कराने गया था, फिर कार में बैठे बैठे यार थक गए थे वहाँ पे, तो मैं सो गया। अभी उठा, खाना खाया, फिर मैं अभी मम्मी और मैं भैया को लेने आए हुए हैं, तो भैया आ जाए फिर निकलेंगे। तो अभी कार में बैठे हैं, तो निकलते हैं फिर यहाँ से दिखाते हैं। पापा जगे हुए थे, तो पापा बोले कि अकेले सबू क्या छोड़े, सो रहा है बेचारा, उठेगा तो घबरा जाएगा, तो पापा बैठ गए। चले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।